भारतीय नारी और ये वेस्टर्न नारी। अभी अंधेरा हुआ उसने भी ऐसा ही अंधेरा करके गई थी। परवा तुझे परवा नहीं है साई भाई का दिल तोड़ी। आई एम जुकोल रियर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एसटीएच वर्ल्ड। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर राम मंदिर स्टेशन पर, राम मंदिर स्टेशन मतलब आपा अपना अमित भाई का घर। तो अमित भाई यहाँ पर ही रहता है राम मंदिर में। तो अभी मैं कर रहा हूँ अमित भाई का इंतजार, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मुंबई मार्केट। तो आज हम बॉम्बे मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। आज का ब्लॉग रहेगा अपना मुंबई मार्केट के ऊपर। चलो गाइस एक्सप्लोर करते हैं बॉम्बे मार्केट। दोस्तों अपने अमित भाई आ चुके हैं। साई भाई, भाई मजे में भाई। बहुत दिनों के बाद ये मेरा छोटा भाई है साहिल, स्पेशली आपका ब्लॉग देख के आता है। इन्होंने कहा है कि इनको आपके ब्लॉग बहुत पसंद है, इसके लिए वो आया भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो अमित भाई आज हम अपने किधर जाने वाले? आज हम जा रहे हैं चर्च गेट। चर्च गेट में जाएंगे, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, घर की थोड़ी बहुत चीजें लेने, जैसे मिक्सर ग्राइंडर ये वो, बहुत सी चीजें मम्मी ने लिस्ट दी बना के, वो सारा लेना है। साई भाई को भी बहुत सामान लेना है, साहिल भाई को भी लेना है, सब लेंगे अभी। और आशीष और शुभम हम लोग को दादर से ज्वाइन करने वाले। 11:56 हो रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो इन शॉर्ट आज आप बॉम्बे एक्सप्लोर करने वाले हैं। पूरा मार्केट, पूरा चोर बाजार से लेके हर एक चीज एक्सप्लोर कर लेंगे। तो गाइस चलो बाय बाय। किधर है आशीष? तो दोस्तों सब लोग अभी भाई वनवास कट चुका है, 4-5 दिन के बाद दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं मस्जिद। यहाँ पर अमित भाई क्या चल रहे हैं? इधर भाई चप्पल टूट गई है 3 साल से, एक ही चप्पल पहन रहा हूँ। डिग्री से भाई, डिग्री चालू नहीं, डिग्री से भी हम लोग ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, अभी भी वो आज तक चल रही है। आज भी 10 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज भी 10 कर रहा हूँ इन्वेस्ट। इच्छा तो है नहीं लेकिन कर रहा हूँ। तो गाइस इधर पहुंच चुके, थोड़ा अमित भाई का जैसे ही डिग्री होगा अपन अमित भाई का चप्पल लेंगे। यहाँ पर इतने गरीब है कि नया चप्पल खरीद ही नहीं सकते हम लोग। इसका नाम बहुत गलत इन्फ्लुएंस कर किया जा रहा है कि दानी सेन का, एकदम रॉन्ग गलत, और इसका नाइंसाफी की जा रही है। इसका नाम साहिल सेन है, ये दानी सेन का मतलब था वो किरला कुरला इसमें रहता तो दानी सेन, तो कुरला इसमें रहता मतलब तू चोर। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता। बात तो सही है, सही बात है, बात पे दम है। दानी सेन से ज्यादा अच्छा मिल गया साहिल सेन से। तो गाइस अभी यहां पर अपना अमित भाई का चप्पल बन रहा है, थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग इधर मार्केट में। चलो गाइस पहले मार ले। हम लोग हैं मस्जिद बंदर में। तो भाई किधर अपन जाने वाले, थोड़ा बता दो। आज का प्लान ये है कि अभी हम लोग मस्जिद रोड पे हैं, तो मस्जिद रोड के बाद हम लोग जाएंगे घर का सामान लेने, उसके बाद जाएंगे कुछ तो सी व्यू एक्सप्लोर करेंगे, अभी देखेंगे आगे के ब्लॉग में क्या होता है क्या नहीं। तो तब तक के लिए आप कंटिन्यू वॉकिंग करते हो। चलो गाइस आज थोड़ा सामान बिलमान लेने वाले। अमित भाई कितना टाइम लगेगा आप उनकी तरफ? पकड़ लो 1-2 घंटा तो जाना है। मार्केट पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हमको इसके बारे में सारी चीजें पता है कि मार्केट में क्या है क्या नहीं। तो कैंडल्स वो सब लेने हैं, तो इसके लिए देख रहा हूँ अभी कैंडल पूछ रहे हैं। कैंडल गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग दुकान में आ चुके हैं, कैंडल की दुकान में थोड़ा सामान लेने वाले हैं। कैंडल अभी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो हम लोग बहुत पूजा 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 पाठ वाले बच्चे लोग हैं, तो कैंडल पाप को दिल में नहीं लेना, एक दो थोड़ी ना लेना, चलना इधर नहीं बाद में। चल चलना लेना ना, जिंदगी में सिर्फ आगे जाने का, पीछे नहीं। भाई जैसे कि आपको आशीष भाई ने बोला था जिंदगी में आगे जाने का, इसलिए हम लोग आगे जा रहे हैं। अरे साई भाई अब ये सब सामान क्यों ले रहे हो? भाई मेरे घर पे 5-6 बच्चे लोग हैं, बहन के बच्चे लोग, भाई लोग के 5-6 बच्चे भाई, इतने फैमिली बड़ी हमारी। साई भाई ये ले लो, एक बंदर ले लो भाई, जो लड़का होगा बंदर देख के खुश हो जाएगा, घर में कहीं टांग देना। तो चले वरुण भाई के लिए ले लो, वरुण भाई आपके लिए बंदर ले रहे साई दादा, लेकिन कलर कुछ अच्छा ले ले, ब्राउन ब्राउन ले ले, अरे ब्राउन वाले गंदा हो गया। चलो भाई जग्गू बंदर मस्त कलंदर, चलते फिरते खाना कंदर। खा गए अमीबो को खा गए बालू लेते बालू नहीं भालू होता है वो,
एक गुड़िया ले लेते हो। साई आपका दिल कितना बड़ा है, बच्चों के बारे में कितना सोचते हो यार। ये देखो मैं आपको ये भालू का आप ये भालू को अगर चर्बी ज्यादा चढ़ गई तो यहाँ से खुल के निकाल। पैसा कुछ कम कर दो, सारे बच्चे देख रहे आपको इस यूट्यूब चैनल पे, और इतने गुस्से में मत बेचा करो यार, बच्चे डर जाएंगे। प्यार से बोलो तो ज्यादा दिखेगा, जरा हंस दो यार। बड़े हरामी हो बेटा। अगर कोई लड़की देख रही है साले, वो लड़की का नाम आर से चालू हो रहा है, वो देख रही है तो भाई की तरफ से आई लव यू। ले लो साई, एक बंदर ले लो, मैं तो बोलूं वरुण के लिए बंदर ले लो, लड़की के लिए गुड़िया ले लो, एक भालू भी ले देना, एक भालू ले लो, भालू लगता है मुझे आपको ही चाहिए साई। रुको रुको साई, किसका नंबर? एक बंदर, एक भालू, एक गुड़िया, गुड़िया ले लेने तो लड़कियां झगड़ा कर देगी, बोले मेरे को अलग ले लिया साई दादा ने, दोनों से दो गुड़िया ले भाई डाल दो। नहीं कितना हुआ इसका पैसा, कितना हुआ भाई? तो कितना हुआ, 5 से 750 बहुत है। या 5 लिया आप, कुछ तो कम करो उसको, किसी का कम ज्यादा ज्यादा बताया नहीं, किसका ज्यादा बताया कितना भाई? 600 रुपया बराबर है अंकल, और अगर आप नहीं दे सकते तो आगे से ले लेते, आगे से ले सकते। आशीष अपने दुख भरी स्टोरी बता रहे, क्या क्या हुआ था उनके साथ। ये मेरी ऐसे ही बजाई थी। तो गाइस जैसे भाई ने बोला, इससे चाकू धार होता है, सही है, फर्क है भाई। लड़कियां इसी से अपना जबान धार करती है, इसकी जबान बहुत चलती है। प्रोडक्ट मिला है जिससे हम लड़कियों के दिमाग का स्क्रू टाइट कर सकते हैं, का स्क्रू कभी कभी ढीला हो जाता है, कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। हसते चेहरे का मतलब यह नहीं होंगे कि कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा डील करना होंगे। आप देना चाहोगे? भाई ने अपने एक आइटम का दिमाग टाइट कर चुके हैं पहले ही। लड़की का दिमाग टाइट सही है। देख पता ये क्या है? नहीं पता भाई। से कॉफी मिक्स होता है वगैरह, पर इतना इतना गुमराह क्यों हुई है? उसने भी मेरे को अपने प्यार में ऐसे ही घुमाया था। कैसी से क्या क्या करता है? तो सही अभी थक गया था तो मैंने उससे कैमरा ले लिया। अभी अमित यहाँ पे चाकू छुरी कुछ लेने जा रहा है। हाँ क्या ले रहे हो अमित दादा? जो कोई भाई क्या कर रहा था वो दुकान बर्ड फीडर्स का, वो पूछ रहा था, जैसे आपको पता है गर्मियों का मौसम चालू है, अपन तो पानी पी सकते हैं लेकिन बर्ड लोगों के लिए पानी कहीं अवेलेबल नहीं होता, इसके लिए हम लोग बर्ड फीडर्स के लिए वाटर फीडिंग एंड फूड फीडिंग के हम लोग वो कंटेनर्स ले रहे हैं, वही ढूंढ रहे हैं, बहुत कॉस्टली बोल रहे हैं वो लोग, 120-140 एक बर्ड फीडर बोल रहे हैं हम लोग का, नहीं नहीं बोल के 200 से 300। और मेरे हिसाब से यहाँ पे मम्मी आ गई तो भाई खत्म हो जाएगी, मेरी मम्मी आ गई तो भाई ये ले लूँगी वो ले लूँगी, ये लेना है वो लेना है, मतलब लड़कियों के लिए आंटियों के लिए बहुत अच्छा मार्केट है टाइम पास के। जितने भी मेरे बहने, मेरी आंटियाँ, मेरी मासियाँ वीडियो देख रही है तो प्लीज़ आपके लिए और एक भाई की गर्लफ्रेंड भी अगर वीडियो देख रही है तो भी आ सकती। तो ये भारत ट्रेडर्स है, शुभम भाई बताएंगे क्या है। अरे बाटी का उनसे दुकान है इधर, बॉटल की बाटी इधर हादसा हो गया अंकल, नजर हटी दुर्घटना उधर, वो छोटी सी छोटी बॉटल है जो 50 ml से लेके 10,000 liter तक का, वो उनके पास मिल क्या बात है काकी, मतलब उन्हें लिया है क्या 10,000 liter का? मेरे घर पे चैपलर क्यों कर रहा है? नहीं उधर है। अरे मेरा ये कैमरा संभालते संभालते हाथ दर्द होने लगा, पता नहीं साई भाई कैसे करते समझ गया आपको साई, मेरा हाथ दुख रहा है तो अभी मैं साई भाई को कैमरा दे देता हूँ। थैंक यू भाई, आशीष भाई इतना करने के लिए मेरे लिए रात को हाथ ही नहीं उठने वाला है। तो गाइस ये थे हमारे आशीष भाई, थोड़ा हेल्प किया हमारी, थोड़ा मैं बात कर रहा था शॉपिंग के बारे में, थोड़ा आशीष भाई ने मेरा कवर कर दिया क्या क्या। तो गाइस चलो मार्केट और थोड़ा एक्सप्लोर करते, थोड़ा सामान बहुत सारे लेने, दुकान नहीं मिल रहे अच्छे।
मार्केट भाव मालूम पड़ता है कि इधर से कितना भाव रहेगा, आगे दुकान में कितना भाव रहेगा, तो दो तीन दुकान हम लोग देख रहे हैं। चलो भाई आप कुछ तो लेने वाले थे, पक्षी पक्षी देखने आया था भाई, अगर रीजनेबल मिला तो ले लूंगा। ये पैरोट है, ये पैरोट है, लवबर्ड्स। तो गाइस मैं पैरोट की भाषा भी जानता हूँ, पाओ 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 पाओ, कुछ नहीं जानता भाई मैं। चलो तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बर्ड्स और एनिमल एरिया में है। यहाँ पर आपको बर्ड प्रॉफिट मार्केट, यहाँ पे अमित को बर्ड फीडिंग का कुछ सीखना था। आप जानते हैं कि अमित भाई अपना एनजीओ चलाते हैं, बर्ड फीडिंग का कुछ कुछ सीन है, तो इसलिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेरे बर्ड को क्या चलाना चाहिए सब। तो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स लव बर्ड्स हैं यहाँ पर भाई, लव का सिंबल है आई थिंक सो, लव बर्ड्स क्या करे भाई। लव बर्ड्स का कितना है? बर्ड्स स्टार्टिंग है, बर्ड्स हां 400-500 है, अलग अलग पक्षी के ऊपर निर्भर करता है। मतलब इधर मैक्सिमम तो पैरट से दिख रहे हैं, ये पैरट से है ना सर? नहीं, ये लव बर्ड्स है। हां ये सारे लव बर्ड्स है, ये भी लव बर्ड्स। अपना आशीष भाई लव बर्ड है, ये ब्रीड्स में ये सारे लव बर्ड है। हां ये जो पकड़ है ये पैरट ब्रीड है। हां और बाकी सब तो ये स्पैरो, जावा स्पैरो, जावा स्पैरो, फिंचेस है। फिंचेस तो ये मार्केट क्या बोलते हैं, बर्ड और एनिमल मार्केट? मित्र का सही बर्ड सेक्शन मार्केट। कौन सा मार्केट? बर्ड सेक्शन मार्केट, यहाँ पर बर्ड सेक्शन मार्केट। चलो गाइस देख रहे हैं हम लोग, यही शिवम भाई आप अभी देख रहे थे उसका जो परिशियन कैट है 1.5 साल का, 12,000 प्राइस बोल रहा था, 12,000 बहुत महंगा है मेरे को लगा। जो आपने है ना मायरा, अपनी मायरा, अपनी मायरा है ना भाई, मेरी नहीं अपनी, सब अपनी है। तो उनका उनका 1.5 साल की है, प्राइस क्या था लेने का? वो तो मैं इसको अडॉप्ट किया था दोस्त के पास से, वो भी ये देखिए ही है अभी, तो ये महीनों में एक या दो अपने मायरा भी बहुत मायरिया, मायरा पाटू, मायरिया मायरा भाई, मायरा मायरा जैसी है, पाटू। तो अमित भाई आपके हाथ में ये क्या है? ये वाटर बर्ड फीडर बोलते हैं। हाँ। और इसमें बॉटल कनेक्ट हो जाती है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। हाँ। बॉटल कनेक्ट हो जाती है और वो कनेक्ट होने का ये इधर लगा देंगे तो इसमें से वो पानी पी सकते हैं बर्ड्स। यस, बर्ड्स पानी पी सकते हैं, स्पेशली ये बर्ड्स के लिए होते हैं। मुंबई में ऐसा है कि हर साल लाखों बर्ड्स मर जाते हैं बिकॉज उनको पानी नहीं मिलता निकले गर्मियों में, तो इसके लिए बर्ड फीडर ले रहे हैं। तो आपको मालूम है अपना अमित भाई एक एनजीओ चलाते हैं, हम लोग का एक इवेंट है बर्ड को, ये सब बर्ड फीडर इवेंट है, बर्ड फीडर इवेंट है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके मोर देन 120 पीसेस मैंने बोला, अभी वो अंदर वो पीसेस ही निकाल रहे हैं, आई गेस 120 पीसेस इनफ है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कांदिवली में 10 पीस, मलाड में 10 पीस, आपके एरिया में 10 पीस, गोरेगांव में 10 पीस, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गाइस अगर आपसे होता तो आप भी ये खरीदिए, और अपने एरिया में थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 60-70 रुपीज़ के प्राइस में पड़ता है ये, लेकिन ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर अपने वजह से कोई बर्ड बच रहा है, उसकी जान बच रही है, तो उससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होता है। तो गाइस आपसे जितना होते हो सके आप करिए, थैंक यू गाइस। चलो जैसे कि लवबर्ड का रेट है 2,000 रुपये जोड़ी है, 2,000 ये लवबर्ड है, मतलब लवबर्ड का हमेशा जोड़ी में लेना पड़ता है ना, ये जोड़ी में लेना पड़ता है तब जाके वो रहते हैं, मर जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके ये देखो, ये क्या बोलते हैं, रेनबो, रेनबो पैराकिट बोलते हैं, ये देख सकते हैं सबसे सस्ता 250 रुपये जोड़ी, बोलते हैं फिंचेस, 250 रुपये जोड़ी, 250 रुपये जोड़ी इसको बोलते हैं फिंचेस। हाँ। और ये बहुत नाजुक होते हैं, ज़्यादा आवाज भी उसमें ढंग जाते हैं। ओके उसके बाद में ये भी एल्बिनो, एल्बिनो पैरेट बोलते हैं इसको, 3,500 रुपये जोड़ी बोलते हैं। ये वाले लव बर्ड है, ये थोड़े से टेम है, ये बच्चे ये टेम है, और ये बड़े वाले थोड़े पट्टे बोलते हैं ना, पट्टे ये पट्टे होंगे भाई, ये आपको लेने बोल के 1,000 रुपये जोड़ी आ गया, 1,000 रुपये। हाँ और ये अपने को 500 रुपये जोड़ी आ गया, मतलब सबसे अच्छी यही है, सबसे सस्ता ये, उसके बाद में ये बोलने के लिए 500 लेकिन 300 तक दे देते हैं। पूरा बर्ड्स की तरह पूरा आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं ये सब थे बर्ड्स के रेट,
आप इधर से ले सकते हो, थोड़ा कम भी हो सकता है। पूरा एग्जॉटिक है थोड़ा, जैसे ये बर्ड हो गए, ये महंगे आते हैं, 1000 के ऊपर वाले ये सब। अगर आपको घर के लिए लेने हैं, अच्छे टिकाऊ लेने तो ये वाले, ये वाले यहाँ पर ये 2-2 लाख के भी बर्ड्स है। मतलब अमित भाई, शुभ भाई ने कुछ बोला वो बर्ड्स, वो बात उनकी सही है, बर्ड्स को कैच करके नहीं रखना चाहिए। अभी आप ही देख लो, अपन ने बर्ड्स को पानी पिलाने के लिए इतने वाटर फीडर लिए, सारी चीजें हम लोग ने ले ली। आपको मालूम है अपना जरूर उसका नाम क्या है, जरूर मतलब आज तक जरूर गड्ढे नहीं बोल के 15 से 20 कबूतरों को उनकी जान बचाई है, कबूतरों की जान बचाई। तो मेरे लिए तो भी मैं कभी इनको ये नहीं करूँगा। अगर हम इसको लेंगे तो हम लोग इसको फ्री छोड़ेंगे ऐसे? नहीं, अगर इसको फ्री छोड़ के भी कुछ मतलब नहीं। इधर आ जाओ गाइस, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे बर्ड खरीद के उनको फ्री छोड़ दोगे कोई मतलब नहीं। ऐसे बर्ड्स को इधर के इंडियन जो होते हैं वो मार देते भाई, मार देते। तो अभी क्या कर सकते हैं, लोग ब्रीडिंग करते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है, चल रहा है वो भाई, इतने चलते आ ही रहा है, अभी कोई इसको बंद नहीं कर सकता है। तो भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा, बर्ड लेना नहीं लेना वो तो आपकी इच्छा आपके ऊपर है, लेकिन यही बोलूँगा ले रहे हो तो उनका केयर करो बस, यही। तो ये चलो गाइस, ये हमारा रिव्यू बर्ड के बारे में। अगर आप बर्ड को लेंगे तो क्या चीज़ है, मेरा मानना है कि अगर आप बर्ड लोगे तो बर्ड को से फ्री छोड़ दो, क्योंकि उनका काम ही उठना, जैसे कि गरुड़ का कैसे उठता है वैसे ही। चिकन लजीज और दूसरा अपना चिकन अंडी और 10 तंदूरी रोटी। लॉलीपॉप तो सूखा रहेगा ना? हाँ सूखा सूखा रहेगा। और एक चिकन अंडी। आप जानते हो हम लोग बहुत पूजा 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 पाठ वाले बच्चों हर साल लाखों बर्ड्स मर जाते हैं बिकॉज उनको पानी नहीं मिलता इस गर्मियों में, तो इसके लिए होटल में होटल है भाई, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, पसीना हालत खराब हो गई, पसीना आ गया, क्या हालत खराब हो गई भाई, पानी भी नहीं मिलता भी नहीं आ रहा। चिकन लजीज, चिकन चिंगारी, चिकन हरा भरा, 10 तंदूरी रोटी और स्टार्टर में लॉलीपॉप, साई बाइक स्पेशल लॉलीपॉप, पहलवान जो खा रहे मैंने साई को बोला मेरा लॉलीपॉप ले ले, उसके प्लेट का लॉलीपॉप ले ले ऐसा बोला। A few moments later. So just now we had lunch and we are roaming in Paitan Road, Karim Manzil. यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है भाई, और अभी जस्ट हम लोग खाना वाना खाकर उठे हैं तो थोड़ा एनर्जाइज लग रहा है। और यहाँ पर अमित मेरे लिए कपड़ा सेल कर रहा है, मुझे साई का शादी होने वाला है उसने पुणे में, आपका गांव कौन सा साई भाई? कलबुर्गी, गुलबर्गा, कर्नाटक। गुलबर्गा में उन्होंने एक लड़की देखी है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री थोड़ी अच्छे जगह पे आ गए, और यहाँ पे एकदम पुराने जमाने की वाइब है। और ये अंकल, ये जगह का नाम क्या है? रेडियो होटल। इधर खाना खाना चाहिए था यार, फिर से भीड़ जाएगा। तो गाइस, घर के सामान के लिए साहिल और ये साहिल डब्बे वगैरह ले रहे, कुछ बॉक्सेस यही है ना। क्या ले रहा है साई? चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, बहुत सारे दाल। मम्मी ने बोला कि सामान लेके वो मसाले रहे थे ना, अलग अलग बॉक्स में रखने के लिए, और फिर गरम मसाले भी डाल सकते हो, लाल मसाला, हलद वगैरह, बहुत सारी चीजें। मम्मी ने बोला ये लाने के लिए, तो ये देखा होगा। अच्छा,
ठीक है भाई। और ये सब चने बटाने खाने के लिए पल्सेस, जैसे कि आप बोल सकते कच्चे प्राउट्स वगैरह, प्राउट्स हो गए, छोले हो गए, बहुत सारी चीजें मैं डाल सकता हूँ। देख रहे हैं हम लोग घर का सामान के लिए, देख रहे सामान। चलो शॉप में आए थे थोड़ा ये सब वेट मशीन चेक करने, तो हम लोग को चाहिए था, जैसे कि आप देख सकते हैं अमित भाई ले रहे हैं। ये अंकल से भी मिले, बहुत अच्छे अंकल है, हुसैन अंकल। तो अंकल आपके शॉप का नाम क्या है? भाई इधर बहुत अच्छे माल मिलते हैं, अगर आप कभी भी वेट ये सब देख सकते हैं आप, अगर आप कभी भी ये वेट लिफ्ट मशीन कभी भी सर माय बजट इज लिटिल लो, इट इज अराउंड 600, कैन वी व्हाट एनी इक्विपमेंट आल्सो कल हैज कैश काउंटिंग मशीन्स आल्सो। फर्स्टली आई थिंक दैट कैश काउंटिंग मशीन्स ओनली बैंक में रहता है, मैंने पहली बार यूज इन द बैंक आल्सो नहीं, मैंने शॉप में पहली बार देखा भाई। नहीं वो फर्जी पीछे दिखाए मुझे नहीं अंकल, मेरे को पहले लगा, मेरे को पहले ये रुको रुको भाई, ये फर्जी पिक्चर के कुछ बोल रहे थे जरा आशीष, सी हाउ इट इज वर्किंग, यू वांट टू सी? गाइस वेट वन मिनट, आई विल। तो गाइस ये नकली नोट है कि असली नोट है, चेक करते हैं। अंकल आप अपने आप से डालेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, अगर आप डाल सकते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, हां 9 मंथ का तो वारंटी दे दो, इट्स नॉट इन सब, असली नोट अगर जरा भी फेक रहता है तो स्टॉप हो जाता है। क्या दिखा दे कितने का, कितने कितने नोट है वो देख लो, ये वो अलग अलग करेंसीज डिटेक्ट कर लेता है। नहीं रे, अरे करेंसी डिटेक्ट किया ना उसने। तो गाइस अभी हम लोग ने कैश मशीन में पैसा डाला, शूटिंग चालू से पहले डुप्लेसिंग मत करो, आपका ही है फर्जी का, नॉट माय, नॉट काउंटिंग लस्सी ऑन द सेम, एंड सी दैट इज द नोट आई एम शोइंग यू, व्हिच आर यू विदुन ना वीडियो बना रहे हैं। Just watch it carefully. देखो गाइस आपने देखा एक नोट फेक था, इसने डिटेक्ट कर लिया मशीन में। इट इज नॉट काउंटेड, दैट फेक नोट इज नॉट काउंटेड, क्यों? इट इज फेक है, फेक को काउंट नहीं करेंगे। थैंक यू अंकल। देखो आप अगर कैश मशीन में फेक नोट डालोगे तो काउंट नहीं करेगा, रियल नोट को ही काउंट करेगा। ये रियल है तो 50 का नोट फेक है, ये आप बताना चाहते हो। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज साई, साई यादव। हुसैन भाई, थैंक यू हुसैन भाई। हुसैन भाई के शॉप का लिंक डाल देना। पॉपुलर स्केल कंपनी, लिंक डाल दूंगा और लोकेशन आपको सेंड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डायरेक्ट मिल सकती है। क्योंकि हम लोग का बजट कम है सर, और लेना भी चीज़ें सर, चलना भी चाहिए। तो गाइस अंदर को मैंने बोला था हमारा बजट 600 समथिंग है, तो शुभम भाई आपने सामान कितने का 600 बजट था, तो अंकल और भाई ने हम लोग को अलग अलग प्राइस दिखा के, तो हम लोग अभी फाइनल कर दिए 600 में, 650 में, इसका 6 महीने का वारंटी भी है। एक्चुअल प्राइस यस सर, थैंक यू सर, यू वेलकम। हुसैन भाई का बिहेवियर बहुत अच्छा है, स्वीट नेचर, डाउन। यहाँ पर मैक्सिमम कौन सी चीज़ें मिल रही है आपको? ये लेना साहिब भाई बता दें, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला चीज़ मसाज भी हो जाए, बच्चे लोगों को खेलने के लिए हो जाए। कौन सा मसाज भाई? ये वाला भाई, ये कितने का? ये वाला 200 रुपये का। थोड़ा कम कर भाई।
क्या लिया मैं अमित भाई आपने भाई? ये कटर है, मम्मी ने बोला था वो कटर लेने के लिए, कटर लिया भाई। इसका काम ऐसा है, रुके भाई, इसका काम ऐसा है कि इसके अंदर सब्जी डालो और बस काटते रहो। अच्छा, मैंने भी लिया था अमित भाई। आप ले लिए ना? हाँ। यहाँ पर मैक्सिमम कौन सी चीजें मिल रही है? नजदीक है क्या इधर से भाई? यहाँ पर क्या क्या? किचन किचन के सामान है यहाँ पर मैक्सिमम। भाई जान, स्प्राउट भिगोने का डब्बा है क्या? वो दो पट्टे का आता है। किधर मिलेगा वो? इधर तो नहीं मिल रहा है। किधर चमत्कार पे चमत्कार करते हैं। कौन सा चमत्कार? वो थ्री डेट का डायलॉग है ना, चमत्कार मतलब अरे पिछली बार तो 3500 का वॉच 500 में लिया था। क्या लगता है आज के जिंदगी में इंसानियत, आज के टाइम में इंसानियत बचा है या नहीं? जब तक मेरे सामने अमित है तो इंसानियत बचा है। अरे अगर आपको इंसानियत देखना हो तो गुरुद्वारे में जाइए। हल्का है, हल्का है। ये वाला सामान लेते जा रहे हैं, कितना सामान ले रहे हैं? लगभग अभी तक हमारा 5000 भाई। ये क्या और डब्बे भी लेने हैं, घर के सामान और बहुत सारे चीजें लेने हैं। कैसे चलता है भाई? अभी क्या ले रहे हो भाई? ट्रिमर ले रहा हूँ यार, बहुत महंगा बोल रहे, 400, 500, 800 देखते हैं। क्या प्राइस इसका भाई? कितना ना भाई जान इसका? ये वाला 400 वाला, ये 350 वाला भाई। बार्गेनिंग कर रहा है थोड़ा, 800 ज्यादा महंगा बोल रहे हैं। लेंगे तो इधर से लेंगे, ना तो आगे जाके लेंगे, तो देखते गाइस क्या होता है। ए, हिल रहा है? ए, हिल रहा है? तो जैसे कि गाइस आप सब लोग देख सकते हो कि आई गेस सुबह से हम लोग खाली बोलते हैं ना, ब्लॉग ही बना रहे हैं। इतनी शॉपिंग कर ली है ना, बोल के 2-3 हज़ार रुपए की तो शॉपिंग हो ही गई है भाई। और इधर ऐसा है कि हर दुकान पे रुक के ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। अच्छा लग रहा है गाइस? वाला लग रहा है, कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। दुबला वाला छपरी लग रहा भाई, चेक करो। तो अभी आपने चारों का कोर्स क्या लिया था अपना? अभी मैंने सबसे पहले तो वेट की मशीन लिया, वजन करते ना, वजन काटा लिया मैंने। उसके बाद जो हेड मसाजर लिया, शुभम और हम दोनों ने ट्रिमर लिए है, अच्छे रेट में मुझे लगे। 600 रुपए बोल रहा था उसको रुला रुला। ये अच्छा लग रहा है। तो और मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे लोग के लिए खिलौने लिए है, डॉल्स और थोड़े घर के सामान लिए है। गाइस कमेंट्स में बताओ ये अच्छा लग रहा है कि चेंज। और इसका देख लो भाई, अभी मार्केट में पहली बार चश्मा ले रहा हूँ। रुके यार, जब तक कमेंट्स करो, कमेंट के बाद ले लूंगा। तो गाइस ये सब सामान, ये देखो कैसा लग रहा है चश्मा, अच्छा लग रहा है तो देखो, कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है। तो बता देना भाई लोग कैसे लग रहे, लोग अच्छे लग रहे कि नहीं। तो ये सब सामान भी मैंने लिए, और थोड़ा 2-3 सामान और लेने हैं घर के लिए, किचन के लिए डब्बे लेने हैं, मसाला विसाला रखने के लिए दूसरे शॉप से। देखते गाइस क्या होता है। एक छोटा अंकल है, मंडी पे आ जाएगा, कुछ नहीं हुआ है अंकल, अभी जस्ट पैदा हुआ मैं। देखो बच्चे लोग के जैसे ये लेके जा रहे हैं। अरे आगे भी चो जाओ ना, ये ब्लॉक मार भाई, मैं आगे से मारता हूँ। अभी पूरा कचरा टैक्सी में बैठ गया है। ये देखो और इधर अंकल का दिमाग खराब हो रहा है। अंकल कौन सा गाँव है आपका? अरे गांव छोड़ो यार, अरे देखने से यूपी वाले लगते हो। मार दो अंकल, मीटर चालू मार दो, यूपी समझो, जहाँ समझो जोधपुर। अंकल का दिल बड़ा है और टैक्सी उससे भी ज्यादा बड़ा है, इसके लिए सब पिक्ड हुए हैं। ये शुभम अभी एक्स्ट्रा दे जा रहे हैं, बता दे। अरे अपन जा रहे हैं 20 रुपए अंकल एक्स्ट्रा मांग दे, अंकल को 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दे। शुभम अभी अपन किधर जा रहे हैं भाई? अपन लोग भरत पॉइंट करके उधर सनसेट पॉइंट उधर जा रहे हैं कुलाबा में। तो भरत पॉइंट भी मालूम है, सब मालूम है, वहीं निकलते हैं अपन सीधा। अंकल आपको मालूम है पूरा? अरे भरत पॉइंट मालूम है, अंकल को भरत पॉइंट मालूम है, झोपड़पट्टी में जाना है ना चल के, एक हफ्ते से पब्लिक जाने लगी उधर।
छपरी बोलते छपरी बोलते अंकल वो एक वीक पहले वो रील फेमस हो गया ना उसका इसके लिए मतलब देख रहे सोशल मीडिया में कितनी ताकत होने लगला वो एक रील की वजह से इतना फेमस हो रहा है एक दिन आएगा मेरा भी रील फेमस होगा तेरा रील नहीं भाई सही तेरा ब्लॉग फेमस होगा पूरी दुनिया देखो जाने की भाई और तेरे वजह से हम लोग भी फेमस वो तेरी बंदी बात में पछतेगी हाँ क्यों नहीं बोली कभी भाई जिसने तुझे ठुकरा है भाई वो लड़की भाई इतना पछताएगी ना वो उधर आईने में देख ले अपना बराबर कैमरा एंगल शुभम नहीं आ रहा अभी आ रहा तो सही मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन तेरा ब्लॉग इतना फेमस हो जाएगा ना भाई और जो लड़की तुझे छोड़ के गई है ना वो इतना पछताएगी बोलेगी यार जिंदगी में मैंने क्या ही पाप कर दिया कि बोले आज मेरा साई मेरे साथ नहीं है यार इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता अरे तुम लोग क्या लड़की लड़की लोग कर रहे हो लड़कियां जो दो घंटे से उससे बात कर रहा है सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो विजय एरिया में हम आ चुके हैं विजय चौक इसको नेवी नगर भी कहा जाता है इधर सारे नेवी के जो कर्नल्स होते हैं कमांडर बड़े बड़े ऑफिसर्स नेवी ऑफिसर्स और यहाँ पे नजदीक में डॉकयार्ड भी है तो उनको ये पोर्ट बहुत नजदीक गिरता है जो कैसे आप आर्मी वगैरह को देख सकते हो वहाँ पे मिलिट्री पुलिस है पूरा पुलिस मिलिट्री ये हाई सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी है इधर हम लोग कैमरा भी नहीं निकाल पाएंगे ऐसे मतलब ज्यादा आप ड्रोन वगैरह कैमरा निकाल सकते लेकिन ड्रोन वगैरह नहीं उड़ा नहीं कर सकते ये ड्रोन प्रोहिबिटेड एरिया है यहाँ पे अगर आप ड्रोन उड़ाओगे तो 25,000 रुपीस का ऑन द स्पॉट फाइन लग जाएगा yes. तो ये इन्फॉर्मेशन चलो गाइस सीधा आपको जाना है ऑलरेडी लेट हो चुकी है सनसेट भरत पॉइंट सनसेट होने से पहले जाना उधर चलो उधर उसके नीचे तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर भरत पॉइंट पे पहुंच चुके भाई एक नंबर भी है बहुत मजा आ रहा है भाई देखो भाई सीन एक नंबर है यहाँ पर भाई एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऐसा है कि थोड़े हफ्तों पहले थोड़े बहुत इंसिडेंसेस आए थे उन्होंने वीडियो वगैरह बनाया था और उस वीडियो को अभी भी वो भाई ने वही बोला कि आगे जाऊंगा पुलिस से चिल्ला रहे बहुत से इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे उसके वजह से इसका नाम खराब हो गया यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं बस्ती है लोगों को उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है एक साथ इतना सारा भीड़ इतना सारा क्राउड आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे ऐसे सोशल वर्कर की यहाँ पे आना थोड़ा कम कर दो बिकॉज यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है लोग आके यहाँ पे दारू पी रहे कपल्स अपना कपल स्पॉट बना रहे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना किसी के घर के बाजू में पूरा एनवायरनमेंट खराब एक सोशल वर्कर ने हमें रोका था लेकिन जब उसको पता चला हम भी एक एनजीओ की तरफ से हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आए यहाँ किसी जरूर ने हमारा पेज वगैरह आईडी कार्ड वगैरह बताया पांच जन को अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खाली पूरा खाली हमारे अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे कोई नहीं है पूरा खाली हो चुका और क्या पता बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोग की और मैं अभी पुलिस वाले अंकल आगे गए मैं वो पुलिस वाले अंकल से भी बात करने वाला हूँ कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ भरत पॉइंट के बारे में ताकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस स्प्रेड हो और अपने वजह से किसी और को तकलीफ ना हो तो गाइस ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आना कम कीजिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आज वाजे लोगों को तो गाइस हम कर रहे बीस इंजॉय तो इसी नोट पे ब्लॉग एंड करते हैं बाय गाइस भाई जय आराम से तो बैठो बहुत रिलैक्स बैठो टैक्सी वाला पाँच जन को ले रहा भाई क्या कर रहा है भाई भाई मेरा दिल टूट चुका भाई कर रहा भाई दिल टूटा हुआ हेलो HTH वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दो HTH वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दो